कर सकते हैं अभी। तो हम लोग का इस ऑनलाइन ध्यान सत्र के लिए जुड़े सभी का फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग का इस कायगता शक्ति का अभ्यास करने के पहले उस बारे में कुछ देशना सुनने वाले हैं। जैसे हम देख रहे हैं बुद्धि प्रकाश जी बैठे हैं और उनके पीछे जो सुंदर ऐसा बैकग्राउंड दिख रहा है, जहाँ बुद्ध बाबा साहब भंते जी उनकी जो तस्वीर है, यह जागृति से अपने जैसे कायगता सती के अभ्यास के साथ वह चल रहे हैं। बाबा साहब उनके जीवन में हम देखते हैं कि उनकी जो हर गतिविधियां जो है उद्देश्य पूर्ण रहती है, जागृति से भरी रहती है, लोगों के कल्याण के लिए वह अपनी काया का इस्तेमाल सही तरह से करते हैं। तो भगवान बुद्ध भी उनके पीछे जैसे हम देख रहे हैं, उनकी जो चारिकाए है वह चलती हुई उनकी जो मुद्रा है, तो यह हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी उनके जैसे जागृति के साथ, स्मृति के साथ, सतिपट्ठान के अभ्यास के साथ विकसित हुए। तो हम आज के इस कायगता शक्ति में उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आज का जो विषय है कायगता शक्ति, इस काया की शक्ति, जो काया की शक्ति बार बार रखता है, कायगता सती, नीचं कायगता सती। तो बुद्ध के वह जो शिष्य है, जैसे बुद्ध अपने जीवन में स्मृति का सराव करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि इस कायगता सती के द्वारा हम हमारे खुद के अस्तित्व को देखें। बाहर तो कई सारा विश्व खुला पड़ा है, और इस विश्व में जो भी अलग अलग धातु है, उन धातु के अंश हमारे अस्तित्व में विद्यमान है। तो जगत में हमारे आंखों से देखने वाला यह जो दृष्टि गोचर ऐसा प्रदेश हम देखते हैं, जो प्राकृतिकता की सुंदरता है, हजारों करोड़ों साल पहले यह जो धरती है, इसका अस्तित्व निर्माण हुआ है, और इस धरती केवल इस ब्रह्मांड में अकेली नहीं है, कई सारे सूर्यमंडल है और उस सूर्यमंडल में घूम रही पृथ्वी है। तो हम हाँ जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उस पृथ्वी, इस धरती पर हम इस जगत में कई सारे ऐसे भूभाग देखते हैं, प्राकृतिक सुंदरता है, बड़े बड़े पहाड़ों से, पर्वतों से लेकर जगत में ठंडा और गर्म प्रदेश भी देखते हैं। तो हम भारत से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर देखते हैं, तो कई सारे बड़े बड़े पर्वत है, टेकड़िया जो है, कहीं कहीं रेगिस्तान है, और इस जमीन पर सुंदरता जो है, अलग अलग आकार धारण लिए हुए पर्वत के रूप में हम देखते हैं। और यह जो प्राकृतिक पर्वत की सुंदरता है, जिसका जो आकार है स्तूप के जैसे दिखने वाले, बड़े बड़े आकार के भी कुछ प्राकृतिक सुंदर पहाड़ पर्वत है, और वह उसमें कई सारे मनुष्य ने बनाए हुए बड़े बड़े मंजिल की इमारत हम देखते हैं। जैसे कोई सिंगापुर हो, दुबई हो, चाइना के, अलग अलग देशों के बड़े बड़े, सबसे बड़े बड़े ये जो सिविल इंजीनियरिंग का ये जो नमूना है, वह भी हम देखते हैं। तो यह जो अस्तित्व बना है, निश्चित ही यह सुंदर ऐसे भू प्रदेश में सुंदर ऐसी रचना हम देखते हैं, और इस रचना में बड़े स्तूप के आकार के जो
प्यागुड़ा है, रचना है, यह भी हम उसमें देखते हैं। तो यह जो पिरामिड जैसे दिखने वाले जो स्तूप है, उनका जो अस्तित्व है छोटे से लेके बड़े आकार में हम देखते हैं। यह जो अलग-अलग धातु से बने हुए यह जो स्तूप के आकार की रचना है, कोई छोटा स्तूप जो हम हाथ में भी ले सके या कोई इतना बड़ा कि उसके पूरा संक्रमण करने के लिए 10 मिनट भी कम पड़ जाए। तो यह जो उत्कृष्ट कलाओं का यह ऐतिहासिक नमूना इस स्तूप के आकार में हम देखते हैं, जो कोई पत्थर के मिट्टी के अलग अलग जो मटेरियल से बने हुए स्तूप और इसकी भौगोलिक रचना भी देखते हैं, लेकिन उतना ही केवल आविष्कार तो नहीं, तो हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ यह आकार होता है, हमारे भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ आकार होता है। और इस बारे में बौद्ध कला में बेखूबी से कई सारे आकार तो चित्रित किए हैं, उसके साथ साथ उसके जुड़े हुए सांकेतिक जो अर्थ है, जो आज की कायगता सती के अभ्यास के लिए हमें जो मदद करने वाले है कि हमारी काया जिस धातु से बनी है, उस धातु इस धरती पर पहले से ही विद्यमान है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, यह जो दृढ़ता से हम अनुभव कर रहे हैं हमारे शरीर में जो धातु है, जैसे मांस, हड्डियां, पेशियां से बने हुए हमारा शरीर, और यह हड्डिया के ऊपर जो मांसों का विलोपन है जिसको पृथ्वी धातु हम कहते हैं, यह बाहरी पहाड़ पर्वत जैसे सघनता युक्त पृथ्वी धातु का ही एक प्रतीक है। और जन्म के साथ साथ जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, शरीर में यह धातु बढ़ते हैं और हमारा अस्तित्व जो हम विद्यमान हम अनुभव करते हैं, तो उसमें आप धातु भी है, जहाँ जल है बहने वाले प्रवाह के रूप में वो अनुभव करते हैं, खून है हम पानी पीते हैं जिसे आप धातु कहते हैं, और जो तेज धातु है गर्माहट हमारे शरीर में है और बाहर में भी सूरज की गर्माहट है, तो उन से हमारे भीतर की गर्माहट अलग नहीं है, ना जल अलग है, ना पृथ्वी अलग है, और क्षण प्रति क्षण हम जो श्वास ले रहे हैं, यह श्वास हमारे इस पृथ्वी के इर्द गिर्द जो वातावरण है, उस वहाँ जो हवाएं है निरंतरता से सालों साल से, जब यह धरती इस धरती पर कई सारे सजीव निर्माण हुए और मृत हुए, और हम भी आज यह इसको अनुभव करते हैं, इस धातुओं को अनुभव करते हैं। तो कायगता सती का अभ्यास हमें इस हमारे काया के भीतर जो भी धातु विद्यमान है उन धातुओं को देखना, पहचानना, उसके निर्माण होना, उसका अस्त होना, उसकी अनित्यता का अनुभव करना, तो काया हमारा शरीर जैसा ध्यान अवस्था में हम बैठे हैं, तो एक प्रकार से स्तूप का जो आकार है हमारे शरीर में वह एक अनुभव में आता है। जैसे सद्धम्म सुंदर पुंडलिक सूत्र जिसमें बताया है, इस हमारे अस्तित्व के बारे में जो भी धातु से बने हुए स्तूप है, तो यह स्तूप के साथ हमारा जो रिश्ता है, मनुष्य का जो रिश्ता है, तो ऐतिहासिक काल से यह जो स्तूप हम देखते हैं, जैसे बुद्ध पूर्व काल में भी अलग अलग ऐसे चबूतरे जैसे बनाकर उसके प्रयोग उनकी पूजा की जाती है, उनकी श्रद्धा जो है अभिव्यक्त की जाती है। और उसके बाद जब बुद्ध को पूछा गया बुद्ध काल में कि मृत्यु के पश्चात
आपकी याद, आपका स्मरण हमें कैसा कैसे रखे। तो बुद्ध बिना बोले मौन से ही अपने पास जो चीवर था, उन चीवर की घड़ी बनाते हैं, चौकोनी घड़े बनाकर उस चीवर के ऊपर ये जो भिक्षा पात्र है उल्टा करके रखते हैं, जो आकार बनता है वह स्तूप का आकार बन जाता है। तो बिना बोले ही बुद्ध कुछ कह देते हैं कि यह जो प्रतीक है स्तूप, यह श्रद्धा स्थान का प्रतीक है, मनुष्य के अस्तित्व का प्रतीक है। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कई सालों तक उन स्तूपों की पूजा की जाती थी। जो भगवान बुद्ध जिनकी जिनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी जो जो चेतना है, उनका जो शरीर है जो अलग अलग धातु से बना था, जब उन्हें जो अग्नि दिया जाता है, शरीर जलने के बाद जो जो आखिरी में बचे हुए राख और हड्डियां है उनके 8 भागों में अलग अलग विभाजन कर ये जो अलग अलग मल्ल्य है, शाक्य है, वज्जी है, सभी जो राजाएं जो है इन भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाते हैं। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 3रे शतक में सम्राट अशोक इस भारत भू पर 84,000 स्तूपों को निर्माण करते हैं। तो यह स्तूपों की परंपरा जो है बुद्ध काल से एक श्रद्धा के रूप में चली आ रही, उनकी पूजा की जा रही है, उनके अवशेषों की एक विभूषित करके एक विभूति के रूप में, श्रद्धा के रूप में उस पूजा की जा रही। तो हम भारत भूमि में कहीं भी देखते हैं तो उत्खनन में स्तूप निकलते हैं, बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। तो यह जो स्तूप होता है उनका जो निचला चौकोनी जो आकार होता है, जो पीले धातु का प्रतीक, एक पृथ्वी धातु के रूप का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो अस्तित्व है, जो बाहरी पृथ्वी धातु से हमने उधार लिया है, और जन्म के साथ साथ जैसा हमारा शरीर बढ़ता है यह पृथ्वी धातु भी बढ़ता है, मांस हड्डियां पेशियां यह बढ़ती रहती है, क्यों बढ़ती ही नहीं तो वह निर्माण होती है, उसका अस्त होता है, उदयम व्यय होता है। योच वस्स सतम जीवे, योच वस्स सतम जीवे अपस्सति उदयम व्ययम, ये काह जीवितम संयम पस्सति उदयम व्ययम। अगर हम कायगता सती का अभ्यास करते हैं और इस शरीर में निर्माण हो रहे अलग अलग धातु के निर्माण होना, उसका विकसित होना, नष्ट होना, यह अगर देख पाते हैं तो न देखकर 100 साल जीने से बेहतर उसे देखकर 1 साल का जीवन जीना श्रेष्ठतम है। और यही प्रयास हम आज की इस कायगता सती के अभ्यास के द्वारा हम करने जा रहे हैं। तो यह जो बड़े चौकोनी आकार का जो यह स्तूप का बेस है जो पीले रंग में है, और ये स्तूप साधना में भी इसका जब संदर्शन करते हैं तो इस स्तूप के पृथ्वी धातु के साथ हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में जो पृथ्वी धातु है उनका इस विश्व में जो विद्यमान पृथ्वी धातु है इनसे रिश्ता है, क्योंकि हमने उसी से ही यह शरीर उधार लिया है। और यह जो पृथ्वी धातु है यह सघनता का प्रतीक है, ये केवल शारीरिक पृथ्वी धातु सघनता नहीं, तो हमारे मानसिक तौर पर यह जो स्वतंत्रता का अनुभव, ध्यान साधना से हम मुक्ति का अनुभव लेते हैं,
तो हम हमारे जीवन को अगर हम ऐसे बंदिश रखते हैं, अत्यधिप भव के द्वारा अगर हमारे मन को विकसित नहीं कर पाते, तो एक प्रकार से जागृति के अभाव में हम बंदिश जीवन प्रमादता से युक्त जीवन जीते हैं। प्राणियों के जैसे ही हम अगर जीवन जीते हैं, तो यह जो पृथ्वी धातु का प्रतीक बताता है कि एक बंधे हुए एक बंद कारागोर में हम बस एक कमरे में हाथ पैर बांध कर बैठे हैं, ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। तो यह सघन ऐसा पृथ्वी धातु, और जो आप धातु है, जहाँ कुछ थोड़ी जगह है, हाथ पैर तो खुले हैं लेकिन एक कमरे में हम बंधे हैं, उतना ही हलचल कर सकते हैं। जैसा बर्फालु पर्वत है और धूप से वह पिघल रहा है, कुछ हलचल है उसमें, लेकिन ज्यादा नदी के जैसा बहाव प्रवाह जल का नहीं है। तो आप धातु जो है वह थोड़ी ऊर्जा का प्रतीक है, और यह जो तेज धातु है, जहाँ ऊर्जाएं थोड़ी ऊपरी ओर बहने लगती है, जैसे बंद कमरा हो और उसका जो ऊपरी छत है वह खुला है, तो ऊर्जा जो है ऊपरी ओर बहने वाली, यह अग्नि धातु जो है, तेज धातु है हमारे शरीर के भीतर जो है। तो जैसे जैसी हमारी मुक्तता खुलने लगती है, तो यह स्तूप जो है ऊर्जाओं का जो प्रतीक है, ऐसा स्तूप हमारे शरीर के भीतर भी जिसके अंश धातु के रूप में विद्यमान है, तो इससे हम ऊर्जाएं हमारे शरीर में लेते हैं। और हम जब मुक्त होते हैं स्वतंत्रता का अनुभव लेने के लिए, तो यह जो वायु धातु है जो श्वासोश्वास के द्वारा हम हमारे काया में लेते हैं छोड़ते हैं, हर समय हमारे भीतर वह विद्यमान रहता है। यह बाहरी वायु धातु जो है, हवाएं जो है, बाहर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से हम श्वसन प्रक्रिया के द्वारा श्वास को भीतर लेते हैं छोड़ते हैं, तो हर समय हमारे काया में यह वायु धातु विद्यमान रहता है। तो पृथ्वी आप तेज वायु से बना हुआ हमारा अस्तित्व, यह जो स्तूप में है, स्तूप साधना में एक ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में इसे देखते हैं। हमारा शारीरिक अस्तित्व कई सारे शक्तियों का एक प्रतीक है। हमारे शरीर में कितनी सारी ऊर्जा है, लेकिन वह बंद पड़ी है, वह सुप्त है, उसे हम खुलने नहीं देते, उसे हम प्रवाहित नहीं करते, क्योंकि हम संस्कारिता में रहते हैं। संस्कारिता के इस भवचक्र में फंसे रहकर हम मुक्तता का, स्वतंत्रता का, सृजकता का अनुभव नहीं ले सकते। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे विकसित होना चाहते हैं, तो मन की स्वतंत्रता, मन की मुक्तता, जो विमुक्ति का स्वाद जो जो बुद्ध ने अनुभव किया है, वह हम भी अनुभव कर सकते हैं। अगर इस स्वाद को, स्वतंत्रता के स्वाद को हमें लेना है, तो हमारे भीतर जो बंद हुई जो सुप्त शक्तियां है, उसे खुली करना होगा। बंद शक्ति को खुली करने का जो साधन है, यह ध्यान साधना है। यह सतिपट्ठान का जो सराव है, हमें इसलिए मदद करता है। जागृति का अभ्यास जो है, कायानुसती का अभ्यास जो है, काया के प्रति सजगता जो है, काया जो है, जो पृथ्वी आप तेज वायु धातु से बनी हुई, जिनके भीतर काया के भीतर बंदिश ऐसी क्षमता है ऊर्जाओं की, उन ऊर्जाओं की क्षमताओं को मुक्त करना यह साधना का उद्देश्य है। यह जो अत्यधीप है, मन के भीतर जो दबा हुआ अतृप्त, जिसको कहते हैं कि जो अजागृत है, अचेतन मन है, दबा हुआ है, तो वो बहुत बड़ा है, बहुत सारा है। जैसा ऐसा कहते हैं कि जो
जहाज होता है समुन्द्र में खड़ा है, चल रहा है, लेकिन वह 90% पानी में डूबा रहता है, 10% केवल ऊपर ही खुला रहता है। तो हमारी जो जागृति है केवल ऊपरी ओर, जो 10% है, यह जो अंदर दबी हुई जो अजागृत मन है, यह जो चेतन मन ऊपरी ओर 10% हमें देख रहा है उतना ही नहीं है, तो मन के भीतर अचेतन मन 90% जो है, तो उतनी ऊर्जा हमने बंदिश तक करके रखी है। ऐसा कहते हैं कि हम हमारे जीवन में जो जागृति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है केवल 5% से कम ही हम उपयोग में लाते हैं, बाकी तो दबी हुई पड़ी रहती है। तो यह जैसा है वैसा कायानुसती का अभ्यास हमें मदद करता है कि हमारे भीतर हमारे क्षमताओं को पहचाने, हमारे भीतर के ऊर्जाओं के स्रोत पहचाने, जागृति के स्रोत को पहचाने। तो हमारा जो शरीर बना है, इस शरीर में जो ऊर्जाओं के केंद्र है, काया के भीतर जहाँ हमारी नाभि और जननी इंद्रिय के बीच की जगह, वहां एक केंद्र बिंदु ऐसा है जो पृथ्वी धातु के ऊर्जाओं के केंद्र को दर्शाता है। अगर उसे जागृत करने की हमें कुंडलिनी हमें मिली तो हम उस ऊर्जा को बाहर निकल सकते हैं। और दूसरा जो आप धातु है, वहां पेट के भीतर जो सोलर प्लेक्सस जो जिसे कहते, जहाँ सूर्य के जैसा यह कुंडलिनी जागृत होने वाली ऊर्जा, जिसे आप धातु की ऊर्जाओं का ऊर्जा स्तोत्र केंद्र कहते हैं। और शरीर के ऊपर हमारा जो हृदय है, हृदय के बीच एक जगह है जहाँ तेज धातु ऊर्जाओं का केंद्र है, और उसके ऊपर हमारा जो गला कंठ है, स्वर यंत्र हमारे भीतर, तो उस बिंदु पर जो वायु धातु का उगम स्थान है, उसका जो केंद्र बिंदु है, और हमारे मस्तिष्क के भीतर केंद्र में वहाँ आकाश धातु, वहाँ पृथ्वी आप तेज वायु और जो आकाश धातु का ऊपरी केंद्र बिंदु है। तो यह सभी धातुओं के ऊर्जाओं के केंद्र हमारे काया के भीतर ही है। साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम उसे जागरूक कर सकते हैं। तो यह जो वज्रयान में जो बताए दिए हुए कई सारे ऐसे शरीर के भीतर के ऊर्जा के केंद्र को, योगाचार परंपरा में कई सारे ऐसे बात बताई है कि हम ही शक्ति के ऐसे पुंज है, ऊर्जाओं के ऐसे पुंज है। अगर इस शक्ति को पहचान पाते, अगर इस शक्ति का हम इस्तेमाल कर पाते, उसे जागृति से जो विकेंद्रित हुई, बिखरी हुई हमारी शक्ति है, इसे अगर हम इकट्ठा कर पाते, तो ध्यान साधना के द्वारा ही जैसा है वैसा देखने का यह जो कायगता सती का अभ्यास है, यह जो विपस्सना का अभ्यास है, तो हमारे जो बिखरे हुए जो ऊर्जाओं के स्रोत है, उसे हम इकट्ठा करके हमारे इस ऊर्जाओं को शक्ति में बदल सकते हैं। तो हमारा शारीरिक अस्तित्व जो है, शरीर के भीतर यह जो दबी हुई शक्ति पड़ी है, उसे जागृत करना, विकसित करना, यह भी यह कायगता सतिपट्ठान का अभ्यास है। तो बुद्ध ऐसे कहते हैं कि हमारे दुख दैमनस्य को नष्ट करने के लिए, यह जो सत्यता का अनुभव करने के लिए, यह सतिपट्ठान का अभ्यास हमें मदद करता है। हम सुख चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कायगता सती यह ऐसा एक मार्ग है जिनके द्वारा हम शीघ्रता से संबोधि की ओर जा सकते हैं। बहिया को जब बुद्ध यह कायगता सती का अभ्यास बताते हैं, जो भी गतिविधियां काया के द्वारा हम करते हैं,
जानते हुए हम चल रहे हैं, चलते हुए हम जान रहे हैं कि हमारा दाया पैर उठ रहा है, बाया पैर उठ रहा है। पैरों का स्पर्श जमीन से, नरम जमीन से, टनक जमीन से, फर्श से, कोई ऐसे घास वाले जमीन पे, ठंड जमीन पे, गर्म जमीन पे पड़ रहा है। तो स्पर्श की संवेदना, उन संवेदनाओं का अनुभव और पूरी तरह जागृति के साथ उस अनुभव को जानना, अनुभव करना। अगर यह हम दिन में, जब हम सुबह से शाम तक गतिविधियां करते हैं, रात को सोते हैं, सोने के पश्चात भी पूरी तरह हम जागरूक रहते हैं, ख्वाब भी जागृति के आधार पर ही हम देखते हैं, तो हमारा जीवन जागृति से भरा हुआ यह जो जीवन है, तो निश्चित ही इस विमुक्तता के मार्ग पर हमें आगे ले जाएगा। और यह जो नित्यता के साथ, दृढ़ परिक्रमा के साथ, यह हर दिन अगर हम साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं कि हम चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो चाय जब हमारे होठों को छूती है, हमारे जीवा को छूती है, उसकी जो गर्माहट है, उसकी जो संवेदना, उसका जो स्वाद है, चाय के भीतर जो भी चीनी डाली है या पत्ती डाली है, अदरक का स्वाद है, अलग अलग से उसे जाने, उस स्वाद के साथ रहे हम, तो यह गतिविधियां भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन खाने का स्वाद हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे मन में कई और विचार चलते रहते हैं। हम देखते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं और हम खाना भी खाते हैं, कभी टीवी भी चालू रहता है, सीरियल भी चालू रहती है, कुछ म्यूजिक भी चालू रहता है, तो हमारे इंद्रिय बाहरी अलग अलग बातों में व्यस्त रहते हैं, और हम एकाग्रता से हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। चाहे स्वाद की बात हो, शरीर को होने वाले स्पर्श स्पर्श की बात हो, हवाओं का स्पर्श काया से हो रहा है, काया के ऊपर जो बाल, हमारे जो रंध्रो है, तो संवेदनशील साल से उन्हें पहचानना, यह जो मन काया के भीतर है, चित्त है, इस चित्त में निर्माण होने वाले जो धर्म है, विषय है, वेदनाएं है, भावनाएं है, अगर इसे समझने का हम अभ्यास करते हैं, कायन सत्व का अभ्यास हम करते हैं, तो धम्मम कायेन पश्यति, काया से ही हम धम्म को देख सकते हैं, धम्म को अनुभव कर सकते हैं। यह जो काया है, काया वाचा मन से बना हुआ हमारा अस्तित्व है, तो नीचम कायगता सती हम वाचा न संयुता रखे, काया न संयुता रखे, मनसा न संयुता रखे, अगर उसे नियंत्रित रख पाते हैं जागृति के अभ्यास से, अगर हम काया वाचा मन के द्वारा घटित होने वाली हर कृतिया जो है जागृति से करते हैं, तो यह जो अभ्यास है, जागृति की उच्च अवस्था जो है, हमारे भीतर स्व जानेव स्व जागृति निर्माण करने में मदद होगी। अगर एक बार स्व जागृति होगी, विकसित होने लगेगी, तो हम हमें ही पहचानेंगे, हमारे क्षमताओं को ही पहचानेंगे, हमारी जो यह जो क्षमता है, यह जो हम जो ठहराते हैं, हमें जो बौद्धिक अंग के द्वारा समझ में आता है, तो उसे भावनिक तौर पर कृति में उसे ढालने के लिए हम ही मदद करेंगे, क्योंकि हम काया के प्रति जागरूक होकर काया से जो अकुशल कर्म करने के पहले हम जागरूक होते हैं, और उसके इपाकों के परिणामों की भी जागृति रखते हैं, क्योंकि स्व जानो हमारे भीतर हुई रहती है, तो हम भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं और अकुशल कर्म करते हैं, और अकुशल कर्म से
दुख भुगतते हैं। हम जागृति के अभ्यास से अकुशलता को टाल कर कुशल कर्म करने के लिए, कटिबद्ध होने के लिए, दृढ़ होने के लिए हमें कायगता सती मदद करती है। सत्यता का दर्शन जैसा है वैसा देखने की दृष्टि इस अभ्यास से, इस कायगता सती के अभ्यास से हम विकसित कर सकते हैं। और इतना महत्वपूर्ण यह विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, जीवन के हर मोड़ पर, हर समय, हर क्षण हम इस अभ्यास को, चाहे सफर में हो, कहीं चल रहे हो, काम में हो, कहीं पे भी हो, बस सत्यता की स्मृति जो है, कायगता स्मृति के साथ साथ बुद्धानुस्मृति का अभ्यास, सत्यता की स्मृति का अभ्यास, बस हम हमारे इंद्रिय द्वारों से बाहरी कोई क्लेशों को भीतर ना आने दे, और कुशलता को हमारे मन के भीतर विकसित करे, उसका संरक्षण करे, यही जो प्रयास है, यही जो बात है। कायगता सती के साथ अगर करते हैं, सम्यक व्यायाम का अभ्यास कायगता सती के साथ करते हैं, तो जैसे दिल्ली दूर नहीं ऐसे कहते हैं, तो संबोधि भी दूर नहीं है। है तो कठिन बात, लेकिन कम से कम इस जीवन में हम प्रयासों से श्रोतापन्न फल तक पहुंच सकते हैं। और भंते संग रक्षित जी हमें इस बात का विश्वास देते हैं, जो भी शिक्षा पद्धति है, जो भी साधना पद्धति है, जो भी सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, सिस्टम ऑफ अलग अलग ढांचा जो हमें अभ्यास का दिया है, प्रैक्टिस के अभ्यास का दिया है, अगर इसे हम जीवन में ढालते हैं, तो यह जो उद्देश्य है जो हमने तय किया है, जो भी धम्म मित्र है, धम्मचारी है, उद्देश्य जीवन का, जीवन जीने का जो तय किया है, तो अभी यह हमारा उद्देश्य दूर नहीं है। तो इसलिए सभी को शुभेच्छाएं देते हैं और यहाँ रुकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरह से कायानुसती का नेतृत्व किया है।